सो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जिसपे आपके GNM है, GNM लेटरल एंट्री है, ANM है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, और जो आपके डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स हैं लाइक आपके पास लेब असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट है, ECG टेक्नीशियन है, फार्मा असिस्टेंट है, डी फार्मेसी है, OTT टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन, ISM है, फिजियोथेरेपी है, तो इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, आपका मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होगा, क्योंकि अब नया अपडेट आ चुका है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रिगार्डिंग एडिटिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी यहाँ पर किसी बच्चे का अगर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। डेट यहाँ पर आप देख सकते हो 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने 12th क्लास मार्कशीट अपलोड नहीं किया है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट किया था, तो उस टाइम अगर आप लोगों ने 12th क्लास मार्कशीट अपलोड नहीं किया है तो आप यहां पर कर सकते हो मार्कशीट अपलोड 24 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक आप यहां पर ही काम कर सकते हो। अगर आप यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो 12th क्लास मार्कशीट, स्पेशली 12th क्लास मार्कशीट अगर आप यहां पर अपलोड नहीं करते हो, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो यहां पर कैंसिल किया जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसी टाइम कैंसिल किया जाएगा, और फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड नहीं किया है अभी तक, तो 24 से लेकर 29 तक यहां पर अपलोड करना, अगर आप अपलोड नहीं कर पाओगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर किसी बच्चे का यहां पर DOB यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं किसी बच्चे ने, ये डिफिशेंट आ रही है, या कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक SC ST OSC RBC DPJKPM PSP जो भी रिजर्व कैटेगरीज, अगर किसी बच्चे ने रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं तो आप ये काम भी कर सकते हो 24 से लेकर 29 तक, या किसी ने मार्क्स कार्ड लेटरल एंट्री का अपलोड नहीं किया है, या किसी ने 12th क्लास मार्कशीट अपलोड नहीं किया है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे ने अपलोड नहीं किए हैं, या डिफिशेंट आ रहा है, डिफिशेंट दिखा रहा है, तो 24 से लेकर 29 तक आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो। सो जो मेन पॉइंट है, जो 12th क्लास मार्कशीट है या लेटरल एंट्री का मार्कशीट अगर आप लोगों ने अपलोड नहीं किया है और आप ये अपलोड नहीं कर पाओगे 29 तक, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या हम आज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे इस डेट में, तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे, जिसके आप यहां पर पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हो। और आपको ये एडिट करना है जेके वोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, फिजिकली आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही ईमेल के थ्रू, तो आपको ये एडिट ही करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेके वोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आप यहां पर कोई चेंज नहीं कर सकते हो, लाइक आप नाम में चेंज नहीं कर सकते हो, आप एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते हो, आप फादर नेम, मदर्स नेम, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, या एड्रेस में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो चेंज आप सिर्फ एक तो यहां पर आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, या DOB सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, या लेटरल एंट्री का मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। और जिन बच्चों का रिजल्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त नहीं रिलीज हुआ था 12th क्लास का, तो उनके लिए यहां पर क्या चीज़ ओपन होगी कि वो यहाँ पर मार्क्स एडिट कर सकते हैं, लाइक उनके 12th क्लास में अब कितने मार्क्स आए हैं आफ्टर जो उनका जो आपको पता है कि CBSE और कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट बाद में आया था, तो उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा कि वो मार्क्स एडिट कर सकते हैं, वो मार्क्स मेंशन कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने ऑब्टेन किए हैं, तो उनके लिए ये हैं। और जो बाकी बच्चे हैं वो चेंज नहीं कर सकते, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब मेरिट लिस्ट का मसला रहा, मेरिट लिस्ट आपका रिलीज़ होगा अब सेप्टेम्बर में ओब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 29 अगस्त तक आपका यहाँ पर ये लिंक ही ओपन रहेगी रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो 29 के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, और वो ऑब्वियसली फिर सेप्टेम्बर में होगा, और वो भी अराउंड मिड सेप्टेम्बर, 15 सेप्टेम्बर के आसपास आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, क्योंकि फिर इनको जो फॉर्म्स हैं वो चेक करने होते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। अब आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे मार्क्स एडिट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, तो फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी 10-15 दिन जाएंगे सितंबर के। फिर आप यहाँ पर मान के चलो कि मिड सितंबर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए।